तो मैं जनेंद्र भाई आपने वैचारिक सवाल पूछा है, एक ऐतिहासिक तथ्य आपसे साझा करता हूँ। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था कल तक। वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936 में बना और उस इतिहास जाकर के देख लीजिएगा। उसका जो इनॉग्रल सेशन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उसमें भाषण हुआ था और उस वक्त देश के जितने भी नौजवान थे, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है हमारे कुछ साथियों को, लेकिन अपने विद्यार्थी के होने के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हुए थे, बाद में निकाल दिया गया था। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो छात्रों का संघर्ष हो रहा था, सभी विचारधारा के लोग उसके सदस्य थे। और आपने जो वैचारिक सवाल पूछा कि आपको लेफ्ट के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है, कौन कह रहा है कि लेफ्ट का भविष्य खराब हो गया है? व्यक्ति आते हैं और जाते हैं, संगठन हमेशा व्यक्ति से बड़ा होता है। व्यक्ति की अपनी एक भूमिका होती है, उस भूमिका को वो अपनी क्षमता से निभाने की कोशिश करता है। मैं आपको बता दूं, जहां जिस पार्टी से आप मेरा संबंध जोड़ रहे हैं, मैं वहां पैदा हुआ हूं। मेरे भीतर सोचने, समझने, लड़ने की जो क्षमता है, यह उसके ट्रेनिंग का हिस्सा है और मुझे इस बात का गर्व है। लेकिन वहां जो लड़ने का तरीका है और जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, मुझे लगता है आज जो देश की स्थिति है उसमें उसके स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है और जो वैचारिक संकीर्णता है उसको तोड़ने की जरूरत है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं अपने कई साथियों से पूछा कि क्या भगत सिंह की जयंती देश के सभी संगठनों को नहीं मनाना चाहिए, और क्या गांधी की तस्वीर सभी संगठनों के कार्यालय में नहीं होना चाहिए? यह हमारा इतिहास है, यह हमारी विरासत है। कुछ लोग बहुत चालाकी से विचारधारा की खोल में यह जो हमारी ऐतिहासिक विरासत और परंपरा है, इसको आपस में उलझाने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा पॉपुलर डिबेट है मीडियम और मींस का, साध और साधन का, हिंसा और अहिंसा का। तो मैं आपके सामने इस सदन के समक्ष यह बात कहता हूं, जब भगत सिंह कहते हैं कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं ला सकता है, मतलब भगत सिंह हिंसा का निषेध कर रहे हैं, वायलेंस को निगेट कर रहे हैं। और जब बापू कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, करो या मरो, मतलब वो व्यक्ति के ऊपर होने वाली हिंसा को स्वीकार कर रहे हैं और अहिंसा को निगेट कर रहे हैं। देश की अर्जेंसी क्या है, इस बात को समझिए। और देश की अर्जेंसी यह है कि आप पैदा कहीं भी हुए हों, अगर गांव में आग लगी है, आप अपने दरवाजे के बाहर डंडा लेकर के गेटकीपर बनकर के खड़ा हो जाएंगे कि घुसने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे, तो आपका घर भी नहीं बचेगा, बेडरूम भी नहीं बचेगा। इसलिए समझदारी इस बात में है कि आपसी जो नाराजगी है, आपसी जो वैचारिक मतभेद है, उसको किनारा कीजिए और बस्ती बचाने के लिए इकट्ठा होइए, क्योंकि ये देश हम सबका है। इसीलिए लेफ्ट राइट का जो क्वेश्चन है ना, वो अप्रासंगिक इसलिए हो गया है कि आज आपको वैसे आदमी के साथ सामना करना पड़ रहा है जो हमारे जमाने का गोविंदा है, ड्रेस बदलते रहता है। इसीलिए इस वैचारिक भ्रम में नहीं पड़िए, देश बचाइए, संविधान बचाइए, यही हमारा लक्ष्य है। सिद्धार्थ फ्रॉम ANI, सिद्धार्थ प्लीज गो अहेड एंड आस्क। सिद्धार्थ सवाल पूछिए।